चलिए, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिंदा है सभी? देखा कि नहीं देखा? कैसा होगा रे, तो पक्का ठीक है। चलो चलिए भाई साहब, सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? धंधे के बारे में, राइट। हमने कहा बिजनेस करना है भाई। अब बिजनेस करने के लिए हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। अब अगर बोले ऑर्गेनाइजेशन की बात आप करते हैं, तो हमने अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पे करी। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें कंपनी बनानी, ठीक है। अब कंपनी बनानी, तो ऑप्शन हमारे पास में आया कि ओपीसी बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं, या फिर पब्लिक बना सकते हैं। फिर उसमें हमने कहा कि चलो प्राइवेट बना के काम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा मेंबर कितने रहेंगे? 2। और फिर हमने क्या कहा, क्या करना पड़ेगा, नाम, यूनिक वाला नाम जो है वो अपने को रिजर्व करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैंने किसकी बात करी, इनकॉर्पोरेशन की बात हम कर रहे थे कि वहां से पता नहीं कहां से बहते बहते कहां चले गए, राइट। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाते हैं। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम केसेस में मतलब क्या रहेगा, बहुत कम ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां पे बोला जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऊपर वाले लेवल पे जाना है। किसके पास में जाएंगे, आरडी के पास। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहब आरओसी बोल दो या आरडी बोल दो, और या फिर हमने क्या कहा था, चाहे एमसीए बोल दो। गॉट द पॉइंट? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आगे चल के अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बकायदा अपन देखेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे और करके भी देखेंगे अगर हो सका तो। क्या कि सर आखिर ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया कैसे जाता है, किस तरीके से होता है? तो मुझे एक होनहार कंपनी सेक्रेटरी सीएस ने बताया कि सर एक वेबसाइट होती है www.mca.gov.in। क्या है वेबसाइट का नाम? mca.gov.in। अगर सिंपल तरीके से बात करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट होती है। और भाई साहब आज के टाइम पे अगर आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, घर पे बैठने का टेंशन नहीं लेने का, टाइम नहीं मिल रहा सब बोले दिन भर में, रात को 12 बजे करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात को 12 बजे एमसी की वेबसाइट खोल के बैठने का, और वहां जाके आपको नाम के लिए रिजर्वेशन करना है वो कर लो, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है वो कर लो, डॉक्यूमेंट्स का फाइलिंग करना है वो कर, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से, ये भी कोई बताने की बात है, हाँ ये बताने की बात है। जैसे आज के दिन मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, ऐसे ही एक कोई शुभ दिन था जिस दिन मैं क्लास ले रहा था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ वेरी फर्स्ट क्लास। तो जब पहली क्लास होती है ना, आज के दिन भी मतलब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज के भी दिन जब पहली क्लास होती है ना, तो थोड़ा ऐसा कलेजा यहां आके रहता है कि यार मतलब कर पाएंगे क्या, मतलब बच्चों को लगेगा क्या कि हाँ यहां क्लास लगानी चाहिए वगैरह 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 ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा रहता है, नर्वसनेस रहती। तो एक दिन ऐसी पहली क्लास थी आके मैं बैठा ऐसी, मतलब थोड़ा रौब दर पढ़ाना चालू किया, फोन बजा, मैं फोन निकाला जेब से, देखा तो एम्प्लॉय का फोन था, मैंने कट कर दिया। अगर रुक जाते को पता तो है क्लास है मेरी, ऐसा मन में बोला, फोन कट कर दिया, ठीक है। फिर 2 मिनट के बाद में फिर से फोन आया, उसी एम्प्लॉय का फोन। मैं कहा यार रुक, तो काट दिया वापस से फोन। 5 मिनट 6 मिनट हुए, मैं यहां अपना कंसेप्ट बता रहा हूं, अपने बारे में डिंगे आ कर हूं, मैं ये मैं वो मैं प्राणा मैं ढुमका, ठीक है। इतने में फिर से दूसरे वाले फोन पे वापस से फोन आ गया, देखा एम्प्लॉय का फोन। यार रुको, मैंने उठाया फोन, मैं कहा हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ? सर बोले फॉर्म फाइल नहीं हो पा रहा सर। मैं कहा क्यों फॉर्म, और उसकी मतलब फॉर्म की लास्ट डेट थी। मैं कहा क्यों, क्या दिक्कत? सर पता नहीं, बोले इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ पर इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है लैपटॉप पे कर रही थी बंदी काम, तो मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सबसे पहले दिन की क्लास, मतलब वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले दिन की क्लास जहाँ मैं एक तरफ लगा हुआ हूँ कि भाई इंप्रेशन जमाऊँ यहाँ पे, और उसी दिन मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ नहीं नहीं वहाँ ये देखो वो देखो इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, आधे घंटे बकर करी भाई साहब क्लास छोड़ के। आधे घंटे के बाद में मैं कहा वो वाईफाई का बटन देखो चालू है क्या, बोले नहीं सर वो बंद है। कसम खुदा की अगर सामने बच्चे नहीं बैठे होते ना, हिंदी बड़ी अच्छे से निकलती मुँह से मेरे, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो मैं कहा दीदी
समझो मेरी बात को, श्वेता मत बनो, ऐसी हरकतें मत करो, मैंने कहा है। एक तो मतलब तुम ये नहीं, आधे घंटे क्लास का खा गए पूरा का पूरा है, और वो तो मैंने पूछ लिया सडनली, मैं कहा वो वाईफाई का वहां से देखो बटन चालू किया, नहीं सर वो बंद है बोले, बहुत प्यार से बताया, नहीं सर वो बंद है बोले। तो मैं उसको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। इवन आपको मतलब ये भी आप नोटिस करोगे, मतलब पुराने वाले बच्चों ने, काफी लोगों ने नोटिस किया है, जितनी बार फॉर्म का नाम आता है ना, हर बार मेरे मुंह से इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, और उसी लैपटॉप में जिसमें तुम फॉर्म भर रहे हो। सर इतना डेप्थ में बता रहे हो सर आप। हाँ अभी आप ये भी लगा लो कि मतलब आजकल तो ये ऑनलाइन वाला फंडा चालू हो गया है, तो ऑनलाइन वाले फंडे में कैसा होता है कि बच्चे क्लासेस परचेज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो फिर कैसा होता है कि फोन आता है टेक्निकल स्टाफ के पास, सर बोले क्लास नहीं चल रही, तो टेक्निकल वाले फोन बंदे ने फोन उठाया, बोले क्यों क्या दिक्कत हो गई, पता नहीं सर चली नहीं रही बोले, तो बोले आपने क्या मतलब क्या परचेज किया था आपने, गूगल ड्राइव परचेज किया था कि पेन ड्राइव, बोले पेन ड्राइव परचेज किया था, तो बोले मैं पेन ड्राइव का मेरे हाथ में, तो मैम आपने उसको लैपटॉप में, नहीं तुमने बोला ही नहीं लगाना है, सॉरी मैम हमारी गलती हो गई, लगाओ आप वहां पर पेन ड्राइव लगाओ, ठीक है पेन ड्राइव लगा के सीधा क्लास के ऊपर क्लिक कर रहे जैसे चल जाएगा, अरे या तो सीधा बोल दो प्लीज इसको चालू करके दे दो, ऐसे ही बोल दो सीधा सीधा अगर नहीं जम रहा है तो। अच्छा एक दिन रात को 11:30-12 बजे, रात को 11:30-12 बजे मेरे पर्सनल फोन के ऊपर 4 मिस कॉल, ठीक है बाजू में बीवी सोई, मेरी आंखें बंद उसकी एक आंख खुली, है दूसरी पाल ली हो क्या, मैं कह नहीं ऐसा तो कुछ मेरे हाथ पर कांप रहे, मैं कह ये है कौन रात को 12 बजे, तो अपन कैसे करते सबसे पहले ट्रू कॉलर पे चेक करते साइलेंट करने का भाई, तो अपन कैसे करते हैं सबसे पहले ट्रू कॉलर पे चेक, ट्रू कॉलर पे चेक किया मालिनी, बीवी की दोनों आगे खुल गई, पहले दोनों खुल गई, क्या चक्कर क्या बोले ये, तो अब ऑब्वियसली बात रात को 12 बजे कौन मालिनी को फोन करेगा, तो मैंने ऐसे ही फोन देखा था व्हाट्सएप पे मैसेज, सर प्लीज सर इट्स वेरी अर्जेंट सर प्लीज टॉक टू मी, मैं कहा भाई ये तो कुछ खतरनाक काम हो रहा है, तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैं कहा हाँ बोलो क्या हुआ, मतलब कैसे तो भी करके मैंने पेशेंस बना के रखा, ठीक है मैं कहा हाँ बोलो क्या हुआ, सर बोले प्रॉब्लम हो गई है एंड सर मैं लेक्चर नहीं देख पा रही हूँ, मैं कहा प्रॉब्लम क्या आ रही है, सर बोले हाउ टू डू कॉपी पेस्ट फ्रॉम पेन ड्राइव टू लैपटॉप, मैं मजाक, मैं तुमको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, दिस इज अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ स्टूडेंट 12 at midnight, बीवी की एक आंख खुली, और वहां मैं क्या बता रहा हूं उसको पेन ड्राइव से कंटेंट लैपटॉप में कॉपी कैसे करने का, समझ रहे हो आप ना, मत ही समझो बेटर है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में एक तो अभी रिसेंटली हुआ, एकदम रिसेंट वाला हुआ, तो टेक्निकल वाले बंदे को फोन आता है, बोले कि बहुत घटिया सर्विस है बोले तुम्हारी, बोले क्यों मैडम क्या हो गया, ऐसा थोड़ी होता है बोले तुम लोग काम ढंग से करवा के नहीं देते हो, 50 बार तुम्हारे यहाँ पे फोन करो तुम फोन नहीं उठाते हो, ऐसा नहीं करते वैसा, बोले मैडम हुआ क्या बता तो दू क्या हो, मेरे लैपटॉप में बोले रेड लाइट जल रही है, तो टेक्निकल वाला बंदा अभी भी सीरियस है बंदा, बोले मैम लेक्चर चालू करने के बाद या नहीं 24 घंटे चालू रहती, बोले यहां लैपटॉप को चालू किया कि रेड लाइट चालू जाती, बोले मैम पहले भी होती होगी, तो नहीं नहीं पहले चार्ज लगाते तब होती थी, अब 24 घंटे चालू रहती है, बोले तो बोले मैम कौन सा लैपटॉप है, बोले एचपी का, तो मैम एचपी वाले को दिखाओ सर पैसा किसको दिया, लाइट कौन बंद करेगा, मैम ये हमारा काम नहीं है, ये सही है तुम्हारा फ्रॉड करते हो बोले तुम तो एक नंबर, मतलब बंदा बोलता है मैम ये हमारा काम नहीं है, हम आपको क्लासेस, ये क्या तरीका हो, तुमने तो बोला तुम टेक्निकल वाले बंदे हो ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो एक से एक विचित्र वाले प्राणी जो है वो मिलते हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट में तो कभी क्लासेस में तो कभी कहीं और, कभी कहीं और, कभी कहीं और, ठीक है। इसलिए डिस्क्लेमर देना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपका लैपटॉप,
इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आपकी वेबसाइट जो है ये ओपन होगी, जिसका नाम क्या दिया गया, mca.gov.in। कैसी होती है वेबसाइट, कहां जाके काम करना पड़ता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो है अपन अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे। गॉट द पॉइंट, ठीक। तो भैया ये हमको किसी ने बताया कि आपको कंपनी का क्या करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते किसके पास में जाते हैं, आरओसी के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर क्या मुझे आरओसी के पास जाना पड़ेगा? नहीं रे बाबा, आप जाओगे वेबसाइट पे, वेबसाइट पे ही आरओसी का इंटरफेस भी रहता है, आप यहीं पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, वो आरओसी के पास में पहुंच जाएंगे, आरओसी वहां से उनको चेक करके वापस आपको क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा। क्या कर देगा? अच्छा ठीक है, आरओसी के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चले गए, जिसमें कि हमने हमारे कंपनी के दो सबसे मूलभूत डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी हमने फाइल कर दिया, ठीक है। अगर आरओसी को लगा कि हाँ भाई साहब जेन्युइन काम करने की बात कर रहे हैं, ये पूरा चेक करेंगे, ऐसा मजाक नहीं चलेगा, आपने मेमोरेंडम लिख दिया मैं काम करना, बोले काय का, सुपारी लूंगा, लोगों को मारने की सुपारी लूंगा, चलेगा क्या? आरओसी हाँ बेटा बना कंपनी, तिलक करने में आऊंगा, बोले ऐसा होगा क्या? क्या इलीगल काम को करने के लिए कंपनी बना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट द पॉइंट? तो आपका आरओसी जो है वो मेमोरेंडम के पूरे कंटेंट को चेक करेगा कि क्या आपका मेमोरेंडम और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 और हमारे कंट्री में जो भी लॉज बने हैं, जैसे एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह, ठीक है, तो क्या इन सारे लॉज के हिसाब से जेन्युइन है कि नहीं है? आपने बोला मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, बोले काय के लिए, बोले डैन बिल्जेरियन बनना, बोले डैन बिल्जेरियन पता है? है गांजा का क्या बोलेंगे, बेताज बादशाह काइंड ऑफ, ठीक है, कुछ लोगों को पता है, बोले सर हमारा भी ड्रीम है, पर्पस कुछ और है, ठीक है। तो बोले गांजा का क्या करना है, व्यापार करना है, बोले हमको सर, हमको भी बबलू पंडित बनने का है, बोले उसके लिए कंपनी बनाना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, इलीगल कामों के लिए लीगल कंपनी बनाना इज नॉट अलाउड, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, कंपनी लॉ को अगर समझना होगा ना, थोड़ा सा अगर नॉलेज लेना होगा, तो एक मूवी रेकमेंड करता हूं, मूवी का नाम है उड़ता पंजाब, सुना होगा, देखा भी होगा शायद, लेकिन उस नजरिए से कभी नहीं देखा होगा जो नजर से अब देख पाओगे। उसमें बकायदा यह बात करी गई है कि आरओसी ने कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन ये जो कंपनी यहां पे बनाई गई, इसको फ्रॉड करने के लिए बनाया गया, तो कंपनी को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, सेम ऐसा ही एग्जांपल स्कैम 1992 में भी आता है, जहां पे माजदा नाम की कंपनी की बात करी जाती है कि माजदा नाम की कंपनी जिसके शेयर्स जो थे कभी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुआ करते थे, उसकी वैल्यू आज 3000 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो गई वैल्यू, बोले कहां उसका ऑफिस, ये रहा, बोले गेट बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, और उसके ऊपर 5-6 जो ये रहते, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन लेटर्स वगैरह जो होते हैं, पोस्ट वगैरह जो होते हैं वो लटके हुए, मतलब बंद पड़े। फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाने की बात करी, अलाउड नहीं होगा सर। गॉट द पॉइंट? अगर आप कोई जेन्युइन लॉफुल लीगल पर्पस के लिए कंपनी बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल मैंने कहा चाय बेचनी, भाई साहब बनाओ, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नाम प्रॉपर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऑफिस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, लायबिलिटी मेंबर्स की कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसके बारे में बता दो, ठीक है। कंपनी का कैपिटल होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, वो बता दो। ये सारी बातें आपने बता दी, आपने ये बता दिया कि कौन बंदा पहला सब्सक्राइबर है जो कि इस कंपनी को बना रहा है, कौन लोग हैं जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, उसको यहां पे आप लेके चलो। सारी चीजें आपके आरओसी ने कंफर्म कर ली, बाद में अगर उसको लगा कि सब कुछ जेन्युइन है तो आरओसी हमको दे देगा भाई साहब एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दे देगा? वो देगा हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आपका रहता है ना, उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है जिसको कहते हैं सिन नंबर। कौन सा नंबर होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। सर ये जो नंबर होता है ना, ये कुल मिला के 21 लेटर्स का होता है। कितने लेटर्स का होता है सर? इसमें क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता है अपन आगे चल के बात करेंगे, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अपन एक पूरा क्रक्स जो है ना वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आया? ठीक। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, सर हमने ना कंपनी का कर लिया भाई साहब इनकॉर्पोरेशन, अब क्या करेंगे? धंधा, मतलब बिजनेस। धंधा बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं चाय बनाऊंगा तो बढ़ाएगा कौन? कंपनी तो बना ली, पर अगर मैं चाय बनाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन?
मेरा मेन पैशन क्या है, टीचिंग करना। सर सुबह से लेकर शाम तक या तो रिकॉर्डिंग चल रही होती है या तो कोई क्लास चल रही होती है या कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसे केस में अगर यहां पे ध्यान दूंगा तो वहां चीजें नहीं हो पाएगी, वहां ध्यान दूंगा तो अबे यार अब क्या करें। तो अभी ध्यान से सुनो, अरे एम्प्लॉय तो बात की बात हो गई, एम्प्लॉय जो है वो तो बात की बात हो गई, लेकिन चीजों को मैनेज तो करना पड़ेगा ना। अब इससे एक बात हमको समझ में आई कि भाई साहब अगर मान लीजिए कि आपने यहां पे ये जो कंपनी है इसको बनाया होगा, ठीक है, इस कंपनी के अंदर अगर बोले आपको काम करना है, क्या करना है भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो काम करने की जिम्मेदारी जो होती है वो दो लोगों के हाथ में होती है। किसके हाथ में? उनमें से एक जो है उसे नाम दिया जाता है मैनेजमेंट। क्या नाम देते हैं सर मैनेजमेंट को? अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हो तो आप इसको नाम दे सकते हैं क्या? बोर्ड। क्या बोला मैंने? मैंने बोला क्या? बोर्ड। मैंने डायरेक्टर्स बोला क्या? नहीं। मैंने क्या बोला सर? ये बोर्ड क्या होता है? जो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में कौन होता है? राज्यसभा। कहने से राज्यसभा इज अ पार्लियामेंट? यस नो? नो, ओनली राज्यसभा इज नॉट अ पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट इज समथिंग विच इज मेड बाय थ्री थिंग्स। तीनों चीजों को मिला के क्या कहते हैं? सेम ऐसे ही सारे डायरेक्टर्स को मिला के क्या कहते हैं? बोर्ड। ये ध्यान रखना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपकी कंपनी में कोई एक मैं बोलता हूं ये करना है बोले अपने को, क्या वो वैलिड रहेगा? नहीं। बाकी डायरेक्टर्स ने बोले हमसे तो पूछ ले भाई, हम यहां काम खाए क्या? गॉट द पॉइंट? उनसे भी पूछना पड़ेगा और उसके बाद में आपको क्या करना होगा? डिसाइड। सर यहां पे कंपनी का मैनेजमेंट रहेगा जो कि चीजों को लेके क्या करेगा? डिसाइड। अगर आप बात करते हैं अबाउट द डे टू डे बिजनेस, कौन सा बिजनेस भाई साहब? इसको मैनेज करने का जो काम है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके पास में जिम्मेदारी होती है? और सर इसके अलावा देयर इज समथिंग एल्स, उसको नाम दिया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैंने यहां मेंबर्स बोला क्या? क्या मैंने यहां मेंबर बोला क्या? मेंबर या रस, दोनों में से कुछ भी बोला क्या? ना मैंने मेंबर बोला ना मैंने मेंबर्स बोला, मैंने क्या बोला? ये जनरल मीटिंग क्या बीमारी है? सारे मेंबर्स को मिला के, किसको मिला के? सारे मेंबर्स को मिला के एक काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसको, म्यूचुअल मीटिंग जो होती है उसको कहा जाता है क्या? मेंबर्स मीटिंग बोल दीजिए या जनरल मीटिंग बोल दीजिए। गॉट द पॉइंट? सर कई सारे ऐसे डिसीजंस आने वाले हैं हमारी कंपनी के अंदर जिससे कि मालिक का अधिकार जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सर डे टू डे बिजनेस का जो काम रहेगा ना वो तो बोले मैनेजमेंट वाले संभाल लेंगे, कौन संभाल लेंगे? लेकिन कई ऐसे डिसीजन होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी के मालिकों के अधिकार पे कोई ना कोई फर्क पड़ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव एज द केस में भी। तो कंपनीज एक्ट 2013 में काफी जगहों पे ये लिखा गया है कि सिर्फ इनकी मीटिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इनके डिसीजन से काम नहीं चलेगा, आपको इनका जो डिसीजन है ना वो भी लेना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अच्छा लेकिन एक सेकेंड ना ध्यान दीजिएगा, मुझे बताओ हमारी कंपनी के अंदर मेंबर्स कौन है, कितने लोग हैं? अभी तक जो मैंने आपको बताया कितने लोग थे? दो। सर क्या मैं कह सकता हूं कि क्या मैं कह सकता हूं कि जनरल मीटिंग की बात अगर आप करोगे तो यहां पे जो आपके दो मेंबर्स होंगे उन दो मेंबर्स की मीटिंग यहां पे रहने वाली, यस और नो? और जिस पर्टिकुलर चीज पे आप दोनों का एक मत होगा क्या होगा भाई साहब? अंग्रेजी में बोलते एग्रीमेंट, यस और नो? एक कोई एक चीज पर कंसेंट देना इज कॉल्ड एज व्हाट? एकमत होना, राइट? तो कोई एक चीज पर अगर आपका एग्रीमेंट होगा उसको किया जाएगा, जिस पे एग्रीमेंट नहीं है आप कुछ और बोल रहे हो वो कुछ और बोल रहा है, नहीं करेंगे भाई साहब। ये समझ में आया क्या? लेकिन एक सेकंड, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, नया नया काम चालू किया है, हम ये सोच रहे थे यार हम ही लोग ना कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, बन सकते क्या? यस और नो? अबे अगर किसी बाहर वाले बंदे को अपॉइंट करेंगे वो फोकट में काम करेगा क्या? मैं तुमको बोल रहा हूं एक काम करो, तुम दोनों सामने जो बैठे हो तुम दोनों मेरी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, सब बदले में क्या चाय पी लेना दो कप, बनोगे क्या?
सर सॉरी, हमारा भी ड्रीम है सर, हम कोई ऐसे नहीं घूम रहे यहाँ पे, हमको भी सीए बनना है। बोले हैं आपका ड्रीम आप पूरा कर रहे हो और आप उसके लिए हमको अपॉइंट, सॉरी सर एक और गड़बड़ हो गई क्या, हमने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमको ये पल्ले पड़ गया। बोले अभी कि अगर हमारा कुछ भी यूज होगा कहीं पे पैसा लगेगा सर, वी हैव बिकम कट्टर मारवाड़ी है, अगर हमारा पैसा यूज करोगे तो बदले में पैसा चाहिए, अगर हमारा मेंटल एग्जर्शन कराओगे तो बदले में पैसा चाहिए, अगर हमारा फिजिकल एग्जर्शन कराओगे तो बदले में पैसा चाहिए, अगर हमारी लैंड को यूज किया तो बदले में, अगर हमारे दिमाग को यूज किया, आइडिया यूज किया तो बदले में पैसा चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया सर सॉरी, बराबर है, तो क्या आप लोग मेरे लिए फ्री में काम करोगे? नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट? अगर मैं मैनेजमेंट किसी और इंसान के हाथ में देता हूं तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो बंदा कुछ ना कुछ सैलरी रेम्यूनरेशन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा? हमने सोचा खुद ही कर लेते हैं भाई साहब, लेकिन फिर पंगा आ गया, खुद ही कैसे करूं? अगर मैं मैनेजमेंट संभालूंगा तो काम कौन करेगा, सॉरी टीचिंग कौन करेगा, मैं तो यहां पे बिजी हूं, अब मैं क्या निकालूंगा? मैं अगर मैनेजमेंट संभालूंगा तो टीचिंग कौन करेगा, मैं क्या करूंगा? इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं देखूंगा कहां कौन सा काम करने से कितना बेनिफिट मुझे हो रहा है। अगर टीचिंग करने में मुझे ज्यादा सुकून मिल रहा है, ज्यादा बेनिफिट वहां पे हो रहा है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एज द केस में भी, मैं उस पर ध्यान दूंगा और ये वाले काम के लिए मैं आउटसोर्स कर दूंगा और मैनेजमेंट में किसी और को अपॉइंट कर दूंगा, भले उसके लिए मुझे क्या करना पड़े, सैलरी पे करना पड़े, ये समझ में आए। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी को मैंने अप्रोच किया, मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनोगे क्या? सब बोले काय की कंपनी आपकी, मैं चाय, सब बोले एक तो बोले दो कप चाय लगेगी सर सुबह और शाम को, मैं कहा डन, दूसरा से ज्यादा नहीं, बोले काम करना साल भर का ना 3-3 करोड़ रुपए दे देना बस। मैंने कहा छोड़ो टीचिंग, हम ही बन जाते डायरेक्टर, ये सो नो, अगर 3 करोड़ रुपए बाहर वाले को देना है तो इससे अच्छा मैं खुद ही बन जाता हूं भाई साहब, और वहां पे मेरे लिए भी दो अलग अलग बातें, अगर मैं मेंबर हूं मतलब मैंने कंपनी में पैसा लगाया होगा मुझे डिविडेंड मिलेगा, ये अलग बात है, राइट। दूसरा अगर मैं मेरा मेंटल एग्जर्शन कंपनी का मैनेजमेंट संभाल के करता हूं तो क्या मैं उसके लिए अलग से रेम्यूनरेशन मांग सकता हूं कंपनी से? ये समझ में आया क्या? गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान से भाई साहब, हो सकता है कि हम यहां पे कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम हम यहां पे कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे? 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे कम से कम, मिनिमम। ज्यादा करना चाहते हो सर, ज्यादा काय को करना है, अगर काम ही उतना नहीं हो तो काय को करना भाई साहब ज्यादा। लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो सकता है आपकी कंपनी में मेंबर 2 ही हैं आप, लेकिन भगवान की दया से दोस्तों की दुआ से काम इतना ज्यादा फैला हुआ है कि मैनेज करने के लिए 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 डायरेक्टर्स की जरूरत है, लगा सकते हैं। गॉट द पॉइंट? अब किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रखना है, जॉब देना, वो लोग डिसाइड करेंगे। मैंने उनको एक बात बोल दी, भैया देखो तुम लोग कंपनी का मैनेजमेंट संभालो, इलायची वाली चाय बनानी है कि अदरक वाली चाय बनानी है कि मसाला चाय बनानी है या फिर कौन सी चाय, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको चाहिए प्रॉफिट। गॉट द पॉइंट? तुम्हारे फटे में हम टांग नहीं अड़ाएंगे, कब तक? साल खत्म होने तक। साल खत्म होने के बाद में मैनेजमेंट को अपना अकाउंट्स बनाना पड़ेगा कंपनी का, अकाउंट्स बना के उसको ऑडिट करवा लो, करवाना कि नहीं करवाना? करवाना पड़ेगा, काय को? क्योंकि मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है, मालिक कोई और है, मालिक अगर खुद काम कर रहे होते, अच्छा दूसरी बात भाई, खुद भी काम कर रहा होता, आज का कलयुग ऐसा चल रहा है, मैं मेरे दोस्त पे भरोसा ना करूं, मेरा दोस्त मेरे पे ना करे, फिर भी ऑडिट करवाना बेटर रहेगा, यस और नो? सर यहां माना कि आप मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे, लेकिन क्या पता सुमड़ी में मैंने गलत काम किए हो, है? बाइक लेके जाता था कंपनी की पेट्रोल भरवाने के लिए, भरवाता था 1 लीटर, दिखाता था टंकी भर गई, पॉइंट उसका ऑडिट होना क्या है, जरूरी है। साल खत्म होने के बाद में मैनेजमेंट का काम होगा, भाई साहब पहले तो अपना अकाउंट बना लो, पीएनएल बना लो, लेजर बना लो, बैलेंस शीट बना लो कंपनी की, कितने की चाय बिकी, कितनी चाय पत्ती खरीद के लाए, कितनी चीनी खरीद के लाए, वगैरह वगैरह वगैरह, सेल्स का बता दो, बैलेंस शीट बता दो, फिर उसका ऑडिट करवा लो। ऑडिट के लिए किसको अपॉइंट करना भाई साहब? हम में से किसी को कर लेना, बोले आगे चल के, हाँ या ना?
बनेंगे सर, बोले हम बोले सीए बनने वाले हैं बहुत जल्द, हमको कर लेना बोले आगे चल के इंडिपेंडेंट ऑडिटर के तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप क्या कर लीजिएगा अपॉइंट कर, ऑडिट करवा लिया। अब ऑडिट करवाने के बाद में मेंबर्स की क्या बुलानी पड़ेगी, मीटिंग। ये समझ में आया, मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसको बोलते एजीएम। फुल फॉर्म साल में कितनी बार होंगी, काय को नाम ही लिखा ना सर, एनुअल। बचपन से देखता है एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, वो साल में एक ही बार होता तो मीटिंग दो बार कैसे हो जाएंगी एनुअल वाली, कॉमन सेंस वाली बात। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला क्या दिमाग से खेल, रट्टा मत मारो, कॉमन सेंस की बात है, वर्ड के अंदर ही आपको मतलब मिल जाएगा मैक्सिमम केसेस के अंदर। सर एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है, और यूजुअली ये मीटिंग अगर आपने ले लिया ना तो कोई और मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस देर इज अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसमें कि मेंबर्स के इंटरफेरेंस की क्या है जरूरत है। ये समझ में आया क्या भाई साहब, मेंबर्स की एनुअल जनरल मीटिंग लो, उसके अंदर चार पांच चीजें बता दो। सबसे पहली बात अकाउंट्स दिखाओ, क्या दिखा दो, अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा कि मेंबर्स ने सॉरी डायरेक्टर्स ने साल भर में क्या काम किया क्या नहीं किया। अच्छा अकाउंट्स में दिख रहा है प्रॉफिट, क्या दिख रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर करवा दो, मैंने कंपनी में पैसा काय को लगाया, ऐसी चाय पिलाना था लोगों को इसलिए लगाया क्या, नहीं प्रॉफिट कमाना भाई साहब। मेंबर्स ने अगर कोई आइडिया से कोई कंपनी को चालू किया होगा तो काय के लिए किया होगा, पैसा कमाने के लिए, क्या चाहिए मेरे को डिविडेंड। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ होगा तो हाँ ये बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट रहेगा ना वो यहां पर रेकमेंड करेगा। देखो साहब बात ऐसी है कि एक शेयर पे ना 10 रुपए का अर्निंग आया, बोले कितने का अर्निंग आया, लेकिन 10 रुपए में से हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ 4 रुपए डिविडेंड के तौर पे आप लोगों ने लेना चाहिए और बचा हुआ 6 रुपए जो ना वो कंपनी के पास में ही पड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं कहा क्यों, ये क्या तरीका हुआ, अरे सर समझो कैसा है आज की डेट में ना अपन 4 टाइप की चाय देते, बोले कस्टमर्स को। मैं कहा कौन सी, बोले एक मसाला टी, दूसरी अदरक वाली, तीसरी इलायची वाली, चौथी काली बिना दूध वाली। लेकिन सर हमारे पास आइडिया, आइडिया ये है कि जो 4 टाइप की चाय है ना उसको कर देते 35 टाइप की चाय। मैं कहा कैसे, एक आसाम वाली चाय, एक मुन्नार वाली चाय, सॉरी हाँ मुन्नार केरला में जो आता हूँ ठीक है वहाँ की चाय, सो दूसरा लेमन टी, तीसरा आइस टी, चौथा लहसुन टी वगैरह 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 वगैरह। सर डिफरेंट टाइप ऑफ चाय जब रहेगी ना तो कस्टमर और आएंगे, और जो इस साल का प्रॉफिट 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हुआ है, हमारा एस्टिमेशन यह कि अगले साल का जो प्रॉफिट रहेगा यह 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो जाएगा साहब, राइट। लेकिन सर अगर धंधा बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा। अगर ये पैसा तुमने कंपनी से डिविडेंड के तौर पर ले गए तो कंपनी के पास कुछ बचा क्या, और दोबारा अगर तुमको बोला अरे सर वो थोड़ा पैसा दो ना तो दोगे क्या, अगर देगा भी तकलीफ होगी यहां पर, यस और नो। एक बार जो मेंबर के पास में डिविडेंड के तौर पे पैसा आ गया अगर वो कंपनी वापस मांगने की बात करे तकलीफ नहीं होगी क्या, बहुत दर्द होगा इधर, आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए कंपनी पहले ही क्या बोलती है, कुछ पैसा रख लेते सर, काय को रखना है एक्सपेंशन के लिए, क्या एक्सपेंशन करोगे, बता दिया कि सर ऐसा ऐसा एक्सपेंशन होगा और जो प्रॉफिट आज 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आ रहा है वो 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से आएगा, लॉजिकल बताया पूरा। आज दुकान में एक दिन में 100 कस्टमर आते हैं और वो ये 4 चाय पी के जाते हैं, हालांकि 200 लोग ऐसे भी आते हैं जो डिमांड करते हैं कॉफी मिलेगी क्या, ब्लैक कॉफी मिलेगी क्या, कैपुचिनो मिलेगी क्या, लाते मिले, मतलब समझ गए ना, किसी को क्विक मत मार देना ठीक है, लाते मिलेंगी क्या बोले ठीक है, मोका पता नहीं क्या क्या अलग ही नाम रहते हैं, रईसों के चौचले भाई साहब और कुछ नहीं है ठीक है। तो बोले ये सब मिले, अगर ये भी हमने चालू कर दिया तो हम 200 और कस्टमर्स को कैटर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़े आपका क्या बढ़ेगा, डिविडेंड। गॉट द पॉइंट। जहां आज अगर आप 10 रुपए का डिविडेंड लेने की बात कर रहे हो, अगर आप ये पूरा 10 रुपए ले लेते हो तो अगले साल भी शायद 10 ही रुपए ले पाओगे, पर अगले साल अगर आपको 15 रुपए का चाहिए होगा तो ऐसे केस में 6 रुपए रिटेन अर्निंग के तौर पे कंपनी में रिटेन रखना पड़ेगा ताकि एक्सपेंशन कर सके। ये समझ में आया, तो ये मैनेजमेंट बताएगा कंपनी के मेंबर्स को एजीएम के अंदर और अकॉर्डिंगली उसका क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ये समझ में आया। फिर तीसरा, कंपनी में हमने 2 डायरेक्टर्स को रखे थे,
अच्छा बताओ डायरेक्टर्स कैसे रहते, काम करने वाले रहते कि निकम्मे रहते? इंसान रहते, इंसान निकम्मा भी हो सकता है, कमाऊ भी हो सकता है, ये सर नो, एक काम करने वाला था दूसरा निकम्मा था, तो क्या करते, निकम्मे को कंटिन्यू करते हैं कि लात मार के बाहर निकालते? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स, हटाओ उसको, ये सर नो, इसका पावर किसके पास रहना चाहिए? मालिक के पास। मालिक कौन है? शेयर होल्डर, जो कि कौन है साथ में, मेंबर भी है। गॉट द पॉइंट? तो सर उसी एजीएम के अंदर अगर ये पता लगता है कि कोई डायरेक्टर है जो ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, हटाओ उसको, उसके जगह दूसरे बंदे को अपॉइंट करो, बोले। गॉट द पॉइंट? ये वाली चीज हो गई। फिर लास्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना, किसको अपॉइंट करना? अब हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में ये दो लोग, ये लोग कंपनी का मैनेजमेंट संभालते, मैं कौन हूं, मैं मेंबर हूं, मेरे साथ में एक और मेंबर, ठीक है? तो हमने बताया देखो भाई काम करना ढंग से, बाद में ऑडिट करवाना। अब यार ऑडिट किससे करवाएं? तो इन लोगों ने, ये बैठी अपने पीछे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फॉर्म खोल के बैठी है, बोले ये शी कैन डू इट, बोले सर बहुत अच्छा, मतलब इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, ऐसा वैसा ये वो। मैं कहा ठीक है आ जाओ तुम ऑडिट कर, मेरे को क्या पता ये लंच के टाइम पे जब इनकी क्लासेस चलती थी कोई तो भी एकेडमी वगैरह में, उस टाइम पे ये एक साथ बैठ के टेबल पे खाना खाते थे, हैं साथ में बैठ के लोगों ने सी एंटर निकाला, मेरे को क्या पता इस बात के बारे में? गॉट द पॉइंट? तो क्या मैं इस बात को अलाउ कर दूं कि इन लोगों ने किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया? यस और नो? आंसर इज नो। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ऑडिटर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ध्यान से भाई साहब, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसकी? मालिक की, ठीक है? ऑडिटर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसकी? मालिक की। कॉमन सेंस वाली बात, इनकी क्यों नहीं? अबे इन्हीं का तो काम चेक करना है भाई, और जिनका काम चेक करना है उन्होंने चेक करने वाले को लेके आ गए। समझ रही हो ना, समझ रही हो ना तुम? हैं बाकी देख लेंगे, बोले अपन, टेंशन नहीं है, ऐसा ये बोल रहे तुमको। गॉट द पॉइंट? तो क्या ऐसे केस में जेन्युइन काम हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे भाई साहब। गॉट द पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि डे टू डे जो बिजनेस करना है वो करने का जिम्मा किसके ऊपर होता है? कंपनी के बोर्ड के ऊपर, ठीक है? अच्छा, कोई नई तरीके की चाय बनानी है कहीं और, सर बोले जिस एग्जिस्टिंग बंदे से चाय पत्ती लेके आ रहे उसकी चाय पत्ती बहुत ही बेकार है सर, या बहुत महंगी देता है, कहीं और से लानी चाहिए। अब कहीं और से कहां से लेके आए भाई साहब? डायरेक्टर ए कहता है कि चलो महाराज टी से लेके आते हैं, डायरेक्टर बी बोलता नहीं ताज है तो बात है, वो लेके आते हैं। अबे बोले महंगी कितनी, तेरे को पता है क्या? महाराज टी से लेके आते, बोले सस्ती सुंदर और टिकाऊ, बराबर है? अब भाई साहब ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, चलेगा क्या? नहीं, एकमत होना जरूरी है। तो अभी ध्यान से सुनो सर, इन लोगों का एकमत हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए भी कंपनी में लिखित में सारी बातें रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए? ये ध्यान से सुनो, इन लोगों का जो यहां पर डिसीजन आएगा उस डिसीजन को नाम देते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या नाम देते हैं? बताऊंगा मैं आपको आगे चल के कि उसका ड्राफ्टिंग कैसे होता है, आपको एग्जाम में आ सकता है, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है? बोर्ड रेजोल्यूशन, रिजॉल्व्ड दैट हमारे बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि इसके बाद में जो चाय पत्ती लाई जाएगी वो महाराज चाय वाले से लेके आएंगे 100-100 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये समझ में आया? तो ध्यान से, जो कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन होता है उसको पास करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसे कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ये समझ में आया सर? इसके लिए, ये डिसीजन लेने के लिए इनकी जो मीटिंग होती है उसको नाम क्या देते हैं? बोर्ड मीटिंग। गॉट द पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? मिल लो बोले, जब तुमको लगता है कि काम करना है तो मिल लो, राइट? लेकिन एक सेकेंड, क्या मैं कह सकता हूं कि डायरेक्टर्स निकम्मे हो सकते हैं? कई डायरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर्स का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना? कितने इंटरेस्ट है? यस, एकदम यस सर। गॉट द पॉइंट? लॉ बनाने वाले को भी ये बात पता है, तो लॉ में लिख दिया गया भाई साहब बाकी तुम कभी मिलो या ना मिलो, बहन जी और भाई साहब, बाकी कभी मिलो या ना मिलो, लेकिन तू चुप रह, साल में इतने टाइम तो भी मिलना तुमको क्या है? जरूरी है, कम से कम इतनी बोर्ड मीटिंग जो है ना वो बोले साल में तुम्हारी होनी चाहिए ही चाहिए, ऐसा लॉ में बोला गया। कितनी होनी चाहिए करेंगे अपन आगे चल के बात, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्रक्स पढ़ रहे हैं।
अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। अच्छा फिर उसके बाद में सर लेकिन एक मिनट, एक फंडा तो आपने यहां पे बता दिया कि कंपनी के अंदर जनरल वाली मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग होती है सर? जनरल वाली मीटिंग का दूसरा नाम ना, जनरल मीटिंग का दूसरा नाम शेयर होल्डर्स मीटिंग या फिर मेंबर्स मीटिंग, समझ में आया? तो आगे चल के कभी मेरे को यह मत बोलना सर ये जनरल मीटिंग और मेंबर्स मीटिंग में क्या फर्क है सर, आज पहले ही दिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बेसिक बेसिक वाली जो चीजें है ना पहले ही दिन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है एक पहले ऊपर लाइन आ गई दिस हैज टू बी डन इनटू द जनरल मीटिंग, फिर उसमें लिखा हुआ दो लाइन के बाद लिखा हुआ है इन द जनरल मीटिंग मेंबर्स हैव टू पास द रेजोल्यूशन। आप बोलो सर ये जनरल मीटिंग में मेंबर क्या कर रहा है, मुजरा करने आया क्या? ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसे ही क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। तो उसमें किसका काम होगा बेटा, मेंबर्स, समझा? ठीक। तो सर एक सेकेंड, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वैसे तो बोले अगर ये एक मीटिंग हो जाए तो काफी, नाम क्या दिया, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन लेकिन दो एजीएम के बीच में, एक इस साल होगी और एक अगले साल, कितने महीने के बाद, कम से कम, ठीक है? वैसे स्पेसिफिकेशन कुछ और दिए हुए हैं, बात करेंगे, बट लेमन के हिसाब से बात करें ना अपन, अभी पढ़ थोड़ी रहे अपन, तो खाली समझने की कोशिश, धंधा कैसे होता है, ठीक है? तो अगर दो एजीएम के बीच की बात करें, कैसे सर 12 13 14 15 महीने का क्या रहेगा, गैप रहेगा, राइट सर? ऐसे में अगर बीच में कोई सीरियस टॉपिक आ गया तो सडनली हमको पता चला येवले वाले को हमारे बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, बोले चौधरी चाय वाले बड़ा आतंक कर रहे, बोले मार्केट में, चलो बोले चौधरी चाय वाले के मार्केट से पूरे शेयर खरीद डालते, उसको एक्वायर टेक ओवर कर लेते बोले उस कंपनी को, है? और उस पर डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, नहीं हाँ ठीक है तुम कर लो बोले टेक ओवर, बोले बापा कंपनी हमारी, मालिक हम, पैसा हमारा ले रहा, डिसाइड कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर, चलेगा क्या? ऐसे बहुत सारे मैटर्स, ऐसे बहुत सर। एक और एक छोटा सा मैटर बताता, हमारी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर, नागपुर, किधर नागपुर, कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला यार गोवा नहीं गए बहुत दिनों के, चल एक काम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते, गोवा लेके जाते, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया क्या करते, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को काय को, ऐसी सेक्सी लग रहा था, पैसा किसका लगा, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कौन कर रहा, चलेगा क्या, खुद का दिमाग लगाओ, चलेगा क्या? तो क्या लॉ में ऐसी कोई बात लिखी हो सकती है कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, नहीं हो सकता, समझ में आ रही है? तो ऐसी बहुत सारी बातें रहेंगी जहां पे जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो बोले यहां पे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। अगर वो इफेक्ट हो रहा होगा तो क्या उनका कंसेंट लेना जरूरी है? तो ये ध्यान से सुनो भाई सब, सर अगर दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई जनरल मीटिंग को लेना पड़े तो उसको नाम दिया जाता है EOGM, और या फिर अगर आप उसको EGM बोलोगे तो भी चल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कौन सी, रुक जाओ, एक्स्ट्रा, बस फुल स्टॉप, समझा कुछ वर्ड में कुछ मिला सर? ऐसी मीटिंग जो रेगुलर वाली नहीं है, रेगुलर वाली तो एक ही रहती, कौन सी वाली, एजीएम, ये सर हमें ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी पड़ रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली करनी पड़ रही, मतलब ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि अगले एजीएम तक का वेट भी नहीं कर पा रही, ये समझ में, अगले एजीएम तक का वेट भी नहीं कर पा रही, ये बोल रहा नहीं अब बीच करना पड़ेगा इसके बारे में डिसीजन भाई साहब, आर गेटिंग द पॉइंट? ऐसा कुछ अगर रहता है उसके लिए अगर दो एजीएम के बीच में आपने जनरल मीटिंग को बुलाया तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्स्ट्रा। बस सर आपने मना किया था ना कि दो एजीएम नहीं होती एक ही होती है, साल में एक साल की बात कर रहा था मेरे भाइयों, कई लोग इस पे भी सवाल उठा देते हैं, ये गलत है सर, आप खुद ही तो बोलते हो कि दो एजीएम नहीं हो सकती और अब आप बोल रहे कि दो एजीएम के बीच में जो मीटिंग होती है उसे ईजीएम कहा जाता है, अबे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे कंपनी के जिंदगी भर में एक ही एजीएम रहेगी, साल में एक एजीएम,
इसका मतलब ये थोड़ी कि कंपनी में दो एजीएम नहीं हो सकती, एक ये वाली साल हो गई और एक अगले वाले साल में होगी। लेकिन इसके बीच में अगर अगले एजीएम के पहले में कोई ईजीएम अगर लेना पड़ रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अच्छा सर, वापस से सर, ये जनरल मीटिंग में क्या होता है साहब? है मीटिंग में क्या होता है साहब? लीगल लैंग्वेज में ध्यान दो, मीटिंग में बिजनेस को, स्पेलिंग सही है क्या? डिस्कस सही है क्या? पक्का ना? सॉरी हाँ, मेरा सीबीएसई मराठी मीडियम है तो इंग्लिश कमजोर है। क्या डिस्कस होता है? बिजनेस। अगर बोर्ड मीटिंग रहा तो बोर्ड में भी क्या डिस्कस होता है? बिजनेस। ठीक है, अगर जनरल मीटिंग रही तो उसमें भी क्या डिस्कस होता है? लेकिन ध्यान से सुनना भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना, और ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार ये बात का पता नहीं चलेगा और हर जगह ये बात का आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है सर, धंधा जो होता, जो बिजनेस को आप यहां डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? एक तो आपका होता है जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन सा बिजनेस होता है भाई साहब? ऑर्डिनरी बिजनेस। और एक होता है जिसको कहा जाता है कौन सा बिजनेस? स्पेशल वाला बिजनेस। ये समझा क्या? अगर मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसमें जो ट्रांजैक्शन करने होते हैं, उसमें जो डिस्कस करना होता है, वो दो टाइप की चीजें हो सकती है। एक आम बात, ऑर्डिनरी मतलब आम, और स्पेशल मतलब स्पेशल। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। अच्छा सर, बोले ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होते हैं? बताया मैं आपको, चार। अकाउंट्स को देखने का है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का है, ऑडिटर्स को अपॉइंट, बताया था, चार। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं भाई साहब? ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनरल मीटिंग पढ़ेंगे अपन आगे चल के, बहुत आगे चल के, तो उसमें अपन इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में अपन लिखेंगे वहां पे एक एक चीज। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ थोड़ी रहे, समझ रहे हैं? जनरल मीटिंग में दो टाइप, बोर्ड मीटिंग में ऐसा कोई बायफिगरेशन नहीं है, वहां तो कुछ भी डिस्कस करना पड़ेगा भाई साहब मैनेजमेंट को डे टू डे काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन जनरल मीटिंग में दो टाइप की चीजें होती हैं, दो टाइप के बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी वाले। ऑर्डिनरी कितने होते? कौन से कौन से? जो सभी लोग, पहला अकाउंट्स को एडॉप्ट करने का है, दूसरा डिविडेंड को डिक्लेयर करने, तीसरा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करने, चौथा हमेशा ध्यान रखना, ये समझ में आया सर? चार टाइप के आपके ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं जिसके बारे में चीजों को डिसाइड किया जाता है। स्पेशल कितने होते हैं? स्पेशल वाले कितने होते हैं? कुछ भी हो सकता है सर। सर कंपनी में ना चपरासी अपॉइंट करना है, स्पेशल की ऑर्डिनरी? स्पेशल। ऑर्डिनरी कितने होते बेटा? उसको छोड़ के बाकी क्या हो गया? वैसे पीयून को अपॉइंट कौन करेगा? मैनेजमेंट वाले करेंगे, लेकिन मान लो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हो, ऐसा हो सकता है। आप अगर चाहो तो आपकी कंपनी के आर्टिकल में स्पेसिफिकली क्लॉज डाल सकते हो, हमारी कंपनी में पीयून भी अपॉइंट करना है तो मेंबर्स को पूछो पहले किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना। यस, इट कैन बी देयर। लोगों की कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जो बंदा शादीशुदा है हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? अबे जो बीवी नहीं संभाल सकता कंपनी क्या संभालेगा? यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। देयर कैन बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि अगर आप ऐसे ऐसे हैं आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, बोले बकायदा लिखा हुआ रहता है, सो एंड सो पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, अगर ऐसा ऐसा है तो। यू कैन पुट इट, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो,
आगे चल के पढ़ेंगे अपनी ये टॉपिक के बारे में भी, ठीक है। लेकिन क्या था, हाँ, स्पेशल बिजनेस क्या हो सकता है, एनी थिंग अदर देन, चार टॉपिक, ये चार को छोड़ के चाहे दिखने में कितना भी आम दिख रहा होगा उसको स्पेशल ही बोला जाएगा, कितना भी आम दिख रहा होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्पेशल बोल। सर कंपनी में शेयर्स इश्यू करने हैं, ऑर्डिनरी की स्पेशल। सर कंपनी में शेयर्स का बायबैक करना है, ऑर्डिनरी की स्पेशल। सर कंपनी को ना बैंक से लोन लेना है, ऑर्डिनरी की स्पेशल। सर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, स्पेशल। सर कंपनी का नाम चेंज करना है, सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये बिल्डिंग से निकाल के बाजू वाली बिल्डिंग में डालना है। ये समझ में आया, आर यू गेटिंग? चार आइटम जो मैंने आपको बता दिए, कौन से थे दोबारा बताओ, भूल गया मैं। अकाउंट्स को एडॉप्ट करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट एंड, वापस से चारों, पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडॉप्ट करना, दूसरा डिविडेंड को डिक्लेयर करना, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ, किसने बीच में रेम्यूनरेशन बोला क्या, बोलना भी नहीं, ठीक है। डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन की बात मत करना, क्या बोला मैंने, तीसरा पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ, चौथा अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ, ऐसा क्यों सर, करेंगे बात आगे चल के, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना खाली, हाँ, तीसरे वाले पॉइंट में सिर्फ अपॉइंटमेंट या रिमूवल भी आ जाएगा, जहां अपॉइंटमेंट का अधिकार है वहां रिमूवल का ऑटोमेटिकली है ना भाई साहब, ठीक है। भले लिखा हुआ नहीं है, मतलब बेयर एक्ट में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रिमूवल की भी बात करी गई, लेकिन अंडरस्टूड वाली चीज है, जहां अपॉइंटमेंट है वहां पे क्या है, रिमूवल है। या जैसे आपने बताया था, जहां राइट है वहां पे क्या है, लाइबिलिटीज भी है। विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉट द पॉइंट? वही बात यहां पे भी एप्लीकेबल है, अगर अपॉइंटमेंट करने का पावर है तो रिमूव करने का पावर भी है, इंप्लाइड है सर वो पावर, राइट। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट करना ऑर्डिनरी बिजनेस, डायरेक्टर्स के लिए, सॉरी, ऑडिटर्स के लिए अपॉइंटमेंट करना, रिमूवल करना या रेम्यूनरेशन पे करना क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस। अच्छा, डायरेक्टर्स के लिए रेम्यूनरेशन, स्पेशल। ये समझ में आया? तो ध्यान से भाई साहब, स्पेशल बिजनेस मतलब एनी अदर बिजनेस या एनी बिजनेस, एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, उसे क्या कहते हैं, स्पेशल बिजनेस, गॉट इट। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो सर, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑर्डिनरी बिजनेस, पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाला क्या था, अकाउंट्स को एडॉप्ट करना है, ठीक है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने, अपन ये सारे के सारे मेंबर है, मान लो फिलहाल एग्जांपल के लिए सारे के सारे अपन मेंबर है, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट किए, जिसका क्रश अब्रिज्ड, क्रश का मतलब क्या होता है, अब्रिज्ड, आगे चल के आप अकाउंट्स में पढ़ोगे ये चीज, ठीक है। क्रश क्या निकलता है, सर बोले कंपनी ने एक साल में डेढ़ लाख चाय बेची, दस रुपए ईच के हिसाब से, कितने की बिक गई, डेढ़ लाख इंटू दस, 15 लाख, 15 लाख रुपए की चाय जो है वो बेची, बोले कब तक, साल भर में, ठीक है। खर्चा बोले हो गया हमारा 13 लाख रुपए का, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, लो बोले डिविडेंड लो, एग्री? अब सही तो है, क्या प्रॉब्लम क्या देखो, हाँ प्रॉफिट आ रहा ना भाई, पगला गया क्या, नहीं मेरे को एग्री है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये सामने जितने भी बैठे हैं जो चाय नहीं पीते हैं उन सबको एग्री है। तुम चाय नहीं पीते ना? ये देखो, ये तीनों कॉफी वाले लोग हैं, अमीर लोग, हम चाय वाले लोग, गरीब लोग हैं, 5 रुपए 10 रुपए डिफरेंस, या फिर 10 रुपए 20 रुपए,
नहीं 10 रुपये 20 रुपये का, तुम लोगों को चेकर्स वाली कॉफ़ी पसंद होंगी, ये पोगो वाले भी बीच में बैठे, ठीक है चल जो भी है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये बात आपको हजम हुई? 15 लाख का सेल हुआ है, 13 लाख का खर्चा बता दिया, 2 लाख का प्रॉफिट, क्या ये बात हजम हुई? क्या नहीं हुई सर हजम, राइट? मेंबर्स को अगर ये बात हजम नहीं हुई तो क्या हम इस चीज को अडॉप्ट करेंगे? सर डिसीजन यहां पे लिया जाएगा, और क्या मैं उस डिसीजन को नाम दे सकता हूं रेजोल्यूशन? जैसे बोर्ड का रेजोल्यूशन होता है, क्या मैं यहां पे मेंबर्स रेजोल्यूशन बोल दूं? यस और नो? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑर्डिनरी वाला बिजनेस होता है तो उसके लिए, अच्छा एक सेकंड, कितने लोगों ने हां बोला तो अपन उस चीज को मान लेंगे? भाई साहब तू मना कर रहा है, जलता है तू इनकी मेहनत से, देर शुड बी सम नंबर ना, देर शुड बी सम नंबर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन ये ध्यान से सुनो सर, हर बार 51% विल नॉट बी गुड, आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन हां अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए बात किया जाए तो कहा गया है कि अगर आप, सॉरी, अगर आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया होगा तो वो क्या है? सफिशिएंट। तो वो क्या है भाई साहब? और स्पेशल बिजनेस के लिए, मुंह देख तो रहा, सॉरी मतलब तुमको नहीं बोल रहा, स्पेशल बिजनेस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। ये ध्यान से सुनो भाई साहब, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इतना कंफर्म है कि अगर ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करोगे तो क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए कभी ओआर लग सकता है, कभी एसआर लग सकता है। सर क्या लगेगा, कब पता चलेगा? अलग अलग सेक्शन में अलग अलग दिया गया, अब ये माथापच्ची वाला काम है, याद करना पड़ेगा। और अगर जनरली जानना है तो बहुत सिंपल, सर हमने क्या बोला, स्पेशल बिजनेस जो है 4 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, जिसमें प्यून को अपॉइंट करना भी आ गया, यस और नो? प्यून को अपॉइंट करना बहुत बड़ी बात है क्या? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, समझा? क्या करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे। सर कंपनी के शेयर्स को बायबैक करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, बड़ी बात है सर, कंपनी के लिए बड़ी बात। अच्छा सर, कंपनी के ऑफिस को ये चौक से दूसरे चौक पे लेके जाने का है, चौक चेंज हो रहा है भाई, ट्रैफिक पार्क स्क्वायर से उठा के लॉ कॉलेज चौक पे डालने की बात कर रहा हूं, बोर्ड पास कर लो, मेंबर अगर यहां पे आता भी है उसको एक यहां पे अपन फ्लेक्स बोर्ड दिखा देंगे कि सोएनसो दुकान जो है, सोएनसो ऑफिस जो है वो यहां से निकल के लॉ कॉलेज चौक पे चली गई है, 2 कदम आगे तो जाना पड़ेगा, क्या नुकसान हो गया इसमें? ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं सर, मीटिंग अटेंड करने कैसे आऊंगा सर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी सर, पेट्रोल महंगा हो गया सर, 100 रुपए से ऊपर चला गया सर, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। लेकिन शहर चेंज किया तो ऑर्डिनरी, अबे शहर ही तो चेंज किया है, स्टेट तो वही है, शहर चेंज किया है स्टेट तो वही है, राइट? स्टेट चेंज कर लिया तो फिर स्पेशल, ये समझ में आया? फिर ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसको यहां पे पास करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है सर, स्पेशल वाले बिजनेस पे ये कंफर्म नहीं है कि ऑर्डिनरी पास करना पड़ेगा या स्पेशल करना पड़ेगा, कोई भी हो सकता है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बातें जो है ना वो दी गई। या फिर एग्जांपल, कंपनी का नाम चेंज करना है, नहीं उसमें भी ध्यान दो, कंपनी का नाम 2 वजह से चेंज करना हो सकता है, पहला वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से, दूसरा कंपल्सरीली गवर्नमेंट की चिट्ठी आई है नाम बदल। मैं कोई बात बताऊं, अगर कंपल्सरी वाला है अपने पास, तो रेजोल्यूशन पास करो या ना करो करना ही पड़ेगा, तो उसमें कौन सा? ऑर्डिनरी। अच्छा खुद की मर्जी से कर रहे होंगे तो स्पेशल, कॉमन सेंस, गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से मेरे भाई, सिंपली ये कहना चाहता हूं, इसके पहले कि अपन बुक में जाके पढ़ें कि यहां क्या दिया हुआ है, क्या करने का अपने को, खुद का दिमाग यूज करने का,
कि इसमें क्या रहेगा यार, बड़ी बात कि छोटी बात, अगर छोटी बात तो ओ आर, बड़ी बात तो एस आर, ये समझ में आया? डन। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना पड़ेगा, ओ आर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर स्पेशल बिजनेस रहा तो क्या पास करना पड़ेगा, ओ आर भी हो सकता है और या फिर एग्जैक्टली तो सर यहां पे अपन बता नहीं पाएंगे, लेकिन इनमें से कोई तो भी एक जो है वो बोले पास करना अपने को पड़ेगा। ये समझ में आया? गॉट द पॉइंट। मोटा मोटी हिसाब किताब पूरा पल्ले पड़ गया, कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, नोट करना है इसको, कर लो। और फिर आज के लिए इतना ही है।